आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 37 पद में हम परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और हम धन्यवादी हैं कि सच में परमेश्वर का वचन जीवित है और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। पिता हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु पिता उन लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी उन सबको हम आपकी पवित्र उपस्थिति में रखते हैं मेरे खुदावन। प्रभु यीशु आप प्रभु महान अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर आप सच में हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए प्रभु। आपने प्रभु हमारे पापों को पिता क्रूस पर उठा लिया यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, और आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है यीशु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। और आप सच में मार्ग सत्य और जीवन है। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों में है प्रभु, और वो अपने परेशानियों को प्रभु अपने जीवन में बहुत बड़ा देखते हैं परमेश्वर। पर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको इन परेशानियों से निकाले मेरे प्रभु। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो अपने रिलेशनशिप के लिए प्रभु बहुत ज़्यादा चिंतित है प्रभु, और वो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण प्रभु, प्रॉब्लम्स होने के कारण प्रभु जी वो उनके जीवन में कोई भी प्रभु प्रेम मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है। पर पिता आप इस असंभव को पिता उनके लिए संभव करें पिता परमेश्वर। प्रभु आप प्रभु जिनके जीवन में प्रेम की कमी है प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु इस कार्य को कीजिए प्यारे प्रभु। जो प्रभु अपनी बीमारी से परेशान है प्रभु, और उनकी बीमारियां उनको प्रभु दिन प्रतिदिन परेशान करती है प्रभु, और उनको वो बातें असंभव लगती है मेरे यीशु। पिता आप उनकी बीमारी को, आप उनकी बीमारी को प्रभु उनके जीवन से दूर करें पिता। जो बीमारी उनके जीवन में बहुत बड़ी है प्रभु, और उन्हें लगता है कि अब हम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, अब ये बीमारी हमारे जीवन से नहीं जा सकती। प्रभु यीशु आपका जीवित वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु आज जो कर्जे में पड़े हैं प्रभु, आज जो प्रभु उस कर्जे से बहुत परेशान है, जिनके कर्जे से प्रभु घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप उनके लिए पिता अनुग्रह करें पिता, उन पर दया करें परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। पिता होने दे प्रभु आपका अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए प्रभु, आपका जीवित वचन उनके जीवन में कार्य करे। आप उन कर्जे से प्रभु उन्हें मुक्त करें परमेश्वर पिता। प्रभु उन्हें लगता है कि वो कर्जा अब उनके जीवन से कभी नहीं जाएगा, पर पिता आपका वचन, आपके वचन के अनुसार वो असंभव कार्य उनके लिए संभव कर दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए जो अपनी स्टडीज को कर रहे हैं प्रभु, और उनके लिए प्रभु कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड करना मुश्किल हो रहा है प्रभु, और पिता परमेश्वर वो बहुत सारी परेशानी में है। उन लोगों के लिए भी प्रभु दुआ करते हैं प्रभु जो अपने प्रभु जॉब के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु जी, और उनके लिए प्रभु वो काम असंभव है प्रभु कि हम कैसे इसे क्वालिफाइड करें, कैसे इन सारी एग्जाम्स में हम अव्वल आए। प्रभु यीशु आप उनके जीवन में आ जाइए, आप इस असफल कार्य को उनके लिए सफल कर दीजिए, असंभव को संभव कर दीजिए परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रभु उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी पिता, जिनके जीवन में प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु बहुत चिंतित है प्रभु। दिन प्रतिदिन उनकी उम्र होती जा रही है प्रभु, लोग उन्हें ताना देते हैं प्रभु, और वो कहते हैं कि क्या कभी हमारा रिश्ता होगा। प्रभु यीशु आपका जीवित वचन उनसे कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य कीजिए यीशु राजा।
पिता हम दुआ करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर कि प्रभु जो प्रभु अपनी गरीबी में है प्रभु अपनी लाचारी में है परमेश्वर जो समाज में प्रभु तिरस्कृत लोग हैं प्रभु जी जिन्हें समाज ग्रहण नहीं करता प्रभु और प्रभु उनके लिए समाज में जीना बहुत मुश्किल हो गया प्रभु समाज उन्हें तुच्छ समझता है प्रभु पिता उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में सम्मान को दीजिए प्रभु आप उनके जीवन में उनके लाइफ में प्रभु कार्य कीजिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके जीवन में प्रभु एडिक्शन है प्रभु चाहे प्रभु वो नशे का एडिक्शन हो प्रभु जी चाहे प्रभु फोन का एडिक्शन हो प्रभु जी चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन है प्रभु यीशु उन एडिक्शन से प्रभु आप उन्हें निकालें प्रभु जी ये उनके लिए असंभव हो रहा है प्रभु आप उनके लिए संभव कर दीजिए परमेश्वर पिता आज हम इन सारी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रख देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु क्योंकि आपका जीवित वचन कहता है कि खुदावन यीशु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों को सारी प्रार्थना को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए ये आशा ये विश्वास करते हैं कि आपने इन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने जीवित वचन के अनुसार हमारे लिए पूरा कर दिया है धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।